और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जी सुरेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, मुझे आवाज जी जी सर आप मिल रही है? ठीक है जी सर, लगातार ये हादसे हुए हैं, अब योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर जांच अगर कोई की जा रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन जांच के निष्कर्ष तो जनता के सामने आए। आखिर योगी जी ये बताएं, आप जांच किस बात की करना चाह रहे हैं? आप आगरा एक्सप्रेस की गुणवत्ता की जांच करना चाह रहे हैं, ओवर स्पीडिंग की जांच करना चाह रहे हैं, हादसों में किस चीज की जांच करना चाह रहे हैं? जी सर, एक्सप्रेसवे पे कई हादसे हुए हैं हाल ही में, और आज भी एक हादसा हुआ है, एक कार गिर गई है 50 फीट गहरे गड्ढे में, जिसके बाद उस एक्सप्रेसवे की को लेकर जांच की जा रही है कि क्या ये सही बना है या नहीं। निश्चित तौर पर आप जांच करें, लेकिन जांच का कुछ निष्कर्ष भी तो दें। गोमती के आपके उसका जांच हुआ है, JNIP का जांच हुआ है, रिवर फ्रंट का जांच हुआ है, उनकी जांच में क्या हुआ ये भी योगी जी बताएं। और हादसों की किस बात की जांच योगी जी करना चाहते हैं, या खाली योगी जी सिर्फ जुमलेबाजी करना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि योगी जी के विचारों में स्पष्टता नहीं है। ये अनुभवहीन लोगों की सरकार है, अपराधी तंत्र इस पर हावी है, इनके पास नीति नियम और नैतिकता के नाम पर कुछ नहीं है, तो ये जांच के नाम पर सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सर, अखिलेश सरकार जो है, अखिलेश यादव ने इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना है, इस एक्सप्रेसवे को। इसकी गुणवत्ता के बारे में उन्होंने कहा है कि ये बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया, मेरी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन सर लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसे किस वजह से हो रहे हैं ये तो एक जांच के बाद पता चले। ओवर स्पीडिंग है क्या? सर सड़क धस गई है, सर सड़क धस गई है, एक्सप्रेसवे की सड़क जो है वो धस गई है, जिसके बाद वो कार गड्ढे में गिरी है। अगर एक्सप्रेसवे की सड़क धसी है तो निश्चित तौर पर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जी तो यानी कि सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, गुणवत्ता में कमी है तो ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अगर सड़क धसी है तो, अगर सड़क धसी है तो निश्चित तौर पर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। जी सर, आप बने रहिए। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़